तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने साइट की सिलेक्शन से पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग एरियाज़ की ट्रेडिंग एरिया वन ट्रेडिंग एरिया टू ट्रेडिंग एरिया थ्री लेट से इफ़ वॉलमार्ट वांट्स टू कम टू पाकिस्तान अब फॉर देम लाहौर इज़ ओपन कराची इज़ ओपन इस्लामाबाद इज़ ओपन मुल्तान इज़ ओपन पेशावर इज़ ओपन सो एनी सिटी इज़ अवेलेबल इन जनरल तो वो बड़े आराम से दे कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट ट्रेडिंग एरियाज ताकि आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट साइट तो पहले स्टेप के अंदर आपको ट्रेडिंग एरिया आइडेंटिफाई करने हैं मल्टीपल डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ताकि आपके पास बेस्ट ऑप्शन को आप प्रोसीड कर सकें जब हम स्टेप नंबर वन को क्वालिफाई करते हैं लट्से वॉलमार्ट की एग्जाम्पल को ही मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि जहाँ पर वॉलार्ट में लट्स उन्होंने चार एरियाज़ को एज ए ट्रेडिंग एरिया आइडेंटिफाई किया अब उसके बाद फॉरन नेक्स्ट स्टेप के ऊपर दे विल डू क्या करेंगे कि दे विल डिटर्मिन टाइप ऑफ लोकेशन इज डिजायरेबल एज पर द नीड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेल स्टोर या एज पर द स्ट्रेटेजी उनको यह देखना है कि किस तरह की लोकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है अब ट्रेडिंग एरिया एनालिसिस हो गया स्टेज वन के ऊपर अब आपने इवेलुएट यह किया कि कौन सी टाइप ऑफ लोकेशन इज आइडेंटिफाइबल इज डिजायरेबल तो क्या मुझे कोई आइसोलेटेड स्टोर चाहिए क्या मुझे कोई आइसोलेटेड uh, स्टोर के अलावा किसी मॉल के अंदर कोई लोकेशन चाहिए क्या मुझे किसी प्लाजा के अंदर कोई लोकेशन चाहिए क्या मुझे कोई आउटस्कर्ट के अंदर कोई लोकेशन चाहिए क्या मुझे सबर्ब्स के अंदर कोई लोकेशन चाहिए सो so, आपको विच टाइप ऑफ लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है स्टेज टू के ऊपर ताकि फिर उस टाइप ऑफ लोकेशन को हम देख सकें उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिए के अंदर उतार के कि उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया में कितनी तरह की लोकेशंस जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मौजूद हैं फिर हम आते हैं स्टेप नंबर थ्री के ऊपर जहाँ पर यू नीड टू सेलेक्ट अ जनरल लोकेशन अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कई दफ़ा ऐसा होता है मोस्ट ऑफ़ द केसेस के अंदर कि जब भी हम साइट की सिलेक्शन की बात करते हैं सो स्पेशल स्पेशल लोकेशन की डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ पर जनरल लोकेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कोई आम सी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लें जो टाइप ऑफ लोकेशन आपको डिजायर्ड है जो कि स्टेप टू के अंदर मैंशनड है अब हमने उस टाइप ऑफ लोकेशन की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं आइडेंटिफाई करनी है मुझे वो तमाम लोकेशंस जो कि मेरी डिज़ायरेबल लोकेशंस हैं जो के मेरे डिज़ाइरेबल क्राइटेरिया के मुताबिक लोकेशंस हैं तो फॉर एक्जाम्पल वॉलमार्ट की एग्जाम्पल जो हम बात करे थे स्टेज वन के अंदर जहाँ पे उसने तीन या चार ट्रेडिंग एरियाज आइडेंटिफाई किए अब उसके बाद उसने आइडेंटिफाई ये किया कि यस आई वॉन्ट टू ओपन लेट्स एक लाख स्क्र फिट के स्टोर जो कि मल्टी स्टोरी होंगे सो दे नीड टू सी कि मेरे मुझे किस टाइप ऑफ लोकेशन रिक्वायर्ड है इस तरह का रिटेल स्टोर ओपन करने के लिए क्या मेरे लिए एक सबर्ब एरिया रिक्वायर्ड है या मुझे मेन सेंटर ऑफ द सिटी रिक्वायर्ड है या लेट्स आई एम ओके विद एंट्री एंड एग्जिट ऑफ़ दी सिटी लोकेशन तो उसके बाद आपको वॉलमार्ट को क्या इवेल्यूएट करना है कि यस मेरे पास आप कौन कौन सी लोकेशंस मौजूद हैं जो कि इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हैं उसके बाद अब फोर्थ स्टेज के ऊपर आते हैं फोर्थ स्टेप के ऊपर आते हैं जब पहले तीन स्टेप क्वालिफाई हो गए उसके फौरन बाद आपको इवेल्यूएट करना है जितनी भी ऑल्टरनेटिव स्पेसिफिक स्टोर साइट आपके पास आ गई हैं आइडेंटिफाई हो गई हैं आप इवेल्यूएट कर लें लेट्स ए नावी पोटेंशियल मैरिट्स एंड पोटेंशियल डी मैरिट्स आई ऑलवेज से पोटेंशियल डी मैरिट्स क्योंकि ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर जगह के साथ कुछ ऐसी चीज़ें एसोसिएटेड होंगी जो कि उसको नेगेटिव में जा रही होंगी लेकिन आपको नॉर्मली एवेल्यूट करना होता है पोटेंशियल मैरिट ऑफ ईच लोकेशन एंड देर आर लॉट ऑफ मैरिट्स एक्चुअली एसोसिएटेड विद ईच लोकेशन वो तमाम मैरिट्स को जब आप जॉकडाउन कर लेते हैं देन आप ये देखते हैं इवेल्यूशन करते हैं उन तमाम ऑल्टरनेटिव साइट्स का जो कि आपके पास मौजूद है से वो आपके पास ट्रेडिंग एरिया के अंदर चार एरियाज थे एंड देन उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर ली अपनी डिजायरेबल लुक टाइप ऑफ लोकेशन फिर उसके बाद आपने लेट्स से फोर्टी और थर्टी आपने जनरल लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली हैं अब उन थर्टी लोकेशनस की इवेल्यूशन स्टार्ट हो जाएगी दिस डज नॉट मीन कि आप वो थर्टी स्टोर्स ओपन करने के लिए जा रहे हैं या थर्टी साइट्स बाय करने के लिए जा रहे हैं वट यू आर गोइंग टू डू यू आर यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज थर्टी साइट्स योर ओन साइट्स जो कितनी रिक्वायर्ड है आपको मे बी वन मे बी टू मे बी थ्री मे बी फोर वट्स एवर इज द रिक्वायरमेंट वो आप इवेल्यूएट करेंगे तमाम ऑल्टरनेट स्पेसिफिक स्टोर साइट्स को ऑल्टरनेटिव साइट्स को और फिर उनमें से यू विल चूज द बेस्ट जो कि मोस्ट सुटेबल हैं विद मोस्ट पोटेंशियल मैरिट्स अवेलेबल जो कि कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हैं जहाँ पे कस्टमर का कैचमेंट एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे टाइम जन वन टू थ्री के अंदर कस्टमर बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके बिजनेस से रिलेटेड सो so इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए वह तमाम फैक्टर्स जो ची चीफ फैक्टर्स की फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं उनको नजर में रखते हुए आप इवेल्युएट करेंगे एंड देन यू कैन गो फॉर द साइट सेलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द एंड ऑफ द फोर्थ स्टेप आप साइट की सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर चले जाएंगे